10.3 समतल दर्पण पर विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना। मान लीजिए कि एक वस्तु OO डैश दर्पण के सामने रखी है। परावर्तन के नियम के अनुसार दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरणें व परावर्तित किरणें कुछ इस प्रकार होंगी। बिंदु O व O डैश से आने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित हो जाती हैं और ऐसा लगता है मानो I व I डैश से आ रही हूँ, अर्थात I O का प्रतिबिंब है व I डैश O डैश का प्रतिबिंब है। O व O डैश के बीच के शेष सभी बिंदुओं के प्रतिबिंब भी I व I डैश के बीच में बन जाते हैं। जब आप स्वयं को समतल दर्पण में देखते हैं तो आपके प्रतिबिंब के आकार और आपके आकार में क्या फर्क होता है? क्या आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके ऊंचाई जितनी ही होती है? आप अपने हाथ में एक पेंसिल अथवा कोई वस्तु पकड़कर समतल दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखें। अब वस्तु को दर्पण से दूर व अपनी आंख के पास ले जाएं। वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में क्या कोई अंतर आया? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति बिंदु O पर खड़े होकर दो समान आकार वाले पेड़ों को देख रहा है। नजदीक वाला पेड़ व्यक्ति को दूर वाले पेड़ की तुलना में बड़ा नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक दूरी वाले पेड़ से परावर्तित होकर आ रही प्रकाश किरणें व्यक्ति की आंख में छोटा कोण बनाती हैं, जबकि पास वाला पेड़ बड़ा कोण बनाता है। हमारी आंख में वस्तु से आ रही किरणों द्वारा बनने वाला ये कोण ही वस्तु का आभासी आकार निर्धारित करता है। इसलिए जब हम वस्तु को दर्पण से हमारी ओर बढ़ाते हैं तो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से और पीछे की ओर खिसक जाता है। इस कारण प्रतिबिंब और हमारे आंख के बीच की दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब का हमारी आंख पर बन रहे कोण का मान वस्तु द्वारा बन रहे कोण से छोटा हो जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब हमें वस्तु से छोटा दिखाई देता है।